हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विभाषा फैक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ये सबसे पहले आपको दिखे। हर कोई सोता है और आज से नहीं बल्कि जब से पैदा हुआ है तब से सोता है, लेकिन ये काम रोज करने के बावजूद भी हमें नींद के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। आज तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिससे पता चले हम क्यों सोते हैं। इंसान अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा यानी लगभग 25 वर्ष सोने में गुजार देता है। जब एक बच्चा 2 साल का होता है तब तक बच्चे के माँ बाप उसकी वजह से 1055 घंटे कम सोते हैं। सोते वक्त अगर आपके दिमाग को लगता है कि आप किसी खतरे में नहीं हैं, तो वे उन आवाज़ों को छान कर निकाल देता है जो आपको नींद से जगा सकती है। आपकी नींद अलार्म बजने से थोड़ी देर पहले खुल जाती है तो उसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। कभी कभी जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो घड़ी की टिक टिक से भी हमें बहुत गुस्सा आता है। अक्सर हम दोपहर के 2 बजे और रात के 2 बजे सबसे ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। अक्सर जो लोग ज़्यादा नहीं सोते उनके हार्मोन्स का स्तर जल्दी गिरता है। सबसे ज़्यादा समय तक जगने का रिकॉर्ड 1964 में 17 साल के रैंडी गार्डनर ने बनाया था। वह 264 घंटे 12 मिनट तक जगा रहा। अगर आप किसी सपने में जग गए हैं और वापस उस सपने को देखना चाहते हैं तो आपको जल्दी से आंखें बंद करके सो जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा होकर। ये तरीका हर बार काम नहीं करता, पर आप एक अच्छा सपना जरूर देख पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15% जनसंख्या को नींद में चलने की और 5% जनसंख्या को नींद में बोलने की बीमारी है। जब आप खुश होते हैं तो कम नींद में आपका काम चल जाता है। महात्मा गांधी अपनी इच्छा अनुसार सोते और जगते थे। उन्हें गहरी नींद के लिए 5 मिनट का समय ही काफी था। सुबह 3 से 4 बजे के बीच आपका शरीर सबसे कमजोर होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को नींद में ही मृत्यु इसी समय होती है। जब हम नींद में अपने दांतों को किटकिटाने लगते हैं तो उसे ब्रूसिज्म कहते हैं। 1998 में किए गए एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि घुटनों के पीछे तेज प्रकाश पड़ने से दिमाग में चलने वाली नींद और चेतना की घड़ी रीसेट हो जाती है। सोते समय छींक मारना असंभव है। हम बिना खाए 2 महीने तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए केवल 11 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। जापान में काम करते करते सो जाना मान्य है, क्योंकि इसे कड़ी मेहनत करते हुए थक जाना समझा जाता है। डिसानिया वह हालात है जब सुबह बिस्तर से उठना हमें बहुत ही कठिन लगता है। बिल्लियां अपने जीवन का 70% भाग सोने में ही बिता देती हैं। घोड़ा हमेशा खड़ा होकर और खरगोश अपनी आंखें खोलकर सोता है। 1849 में डेविड एचिसन अमेरिका के एक दिन के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपना ज़्यादातर समय सोने में बिता दिया। हम टेलीविज़न देखने से ज़्यादा कैलोरी सोने में खर्च करते हैं। दुनिया में मनुष्य ही ऐसा एक जीव है जो अपनी इच्छा से सो सकता है। सोते समय सांस छोड़ते वक्त हमारा वजन 1 पाउंड यानी 450 ग्राम तक कम हो जाता है। जब दुनिया में कलर टीवी नहीं था तब लगभग 80% जनसंख्या को सपने भी काले और सफ़ेद आते थे। जो लोग सपने नहीं देखते उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नामक बीमारी होती है। पारासोमनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी नींद में ही हत्या जैसा संगीन जुर्म कर सकता है। जब डॉल्फिन और व्हेल सो रही होती है तब भी उनका आधा दिमाग जगता रहता है, उन्हें याद दिलाने के लिए कि हवा लेने सतह पर कब जाना है। रात को सोते वक्त हम अपनी सूंघने की क्षमता को खो बैठते हैं, जिससे अगर घर पर कोई गैस लीक हो रही हो या फिर धुएं की महक आए तो हमें पता ही नहीं चल पाता। अगर आप 16 घंटे तक लगातार जगते हैं तो आपका दिमाग ऐसा महसूस करेगा जैसे आपके खून में 0.5% अल्कोहल होने पर करता है।
स्लिप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जब सोते वक्त सांस रुक जाता है तो इसके कारण आदमी सोने से डरता है और हमेशा तनाव में रहता है। अगर आप रात को 7 घंटे से कम सोते हैं तो जुखाम होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। नींद न आने का सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक इंटरनेट चलाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।